चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं समसामयिक की घटना चक्र। इसमें हम लोग बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और इसके बी पार्ट को देख रहे थे अंतर्राष्ट्रीय विक्रम। पिछले लेक्चर तक हम लोग बात कर चुके हैं वैश्विक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 के बारे में। हम लोग जितने भी लेक्चर खत्म कर चुके हैं इन सभी लेक्चरों की एक ही जगह आपको मिल जाएंगे, समसामयिक की घटना चक्र 2019 के नाम से प्ले लिस्ट में जो सूची बनी हुई है उसी में, ठीक, ये सभी जितने भी लेक्चर बनेंगे ये उसी में डाल दिए जाएंगे, ठीक। आगे बात करते हैं फॉर्च्यून 50 महान मार्गदर्शक की सूची। 18 अप्रैल 2019 को प्रसिद्ध अमेरिकी बिजनेस बिजनेस पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा विश्व के 50 महान मार्गदर्शक की सूची जारी की गई। इस सूची में छठा वार्षिक संस्करण है इस सूची का। इस सूची में ग्रेट्स फाउंडेशन के सह संस्थापक बिल मिलिंडा गेट्स को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिडा आर्डन दूसरे, अमेरिकी वकील रॉबर्ट म्यूलर तीसरे तथा चीनी कंपनी टैलेंट की संस्थापक और सीईओ फोनीमा चौथे स्थान पर है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला पांचवें स्थान पर है। इस सूची में स्थान प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय अरुणाचलम मुरुगंथम है। इन्हें इस सूची में 45वां स्थान मिला हुआ है। यद्यपि है कि कोयम्बटूर के सामाजिक उद्यमी गुरुगंथम ने सस्ते सैनिटरी पैड्स का निर्माण करने वाली मशीन के आविष्कारक हैं। श्री गुरु गंथनम के जीवन में से प्रेरित फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को 91 बेर ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची 2019 में जो जारी हुई है। 17 अप्रैल 2019 को अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई। वर्ष 2019 की टाइम 100 सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों को 5 श्रेणियों में असाधारण व्यक्ति, नेता, कलाकार, मार्गदर्शक तथा आइकॉन में वर्गीकृत किया गया है। इस वर्ष नेता श्रेणी में शामिल हुए प्रमुख व्यक्ति हैं पोप फ्रांसिस, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद आदि, अमेरिकी गायिका लेडी गागा, पूर्व अमेरिकी प्रथम महिला मिशेल ओबामा को आइकॉन श्रेणी में शामिल किया गया है। ड्वेन जॉनसन, रामी मालिक, महेरशला अली कलाकार श्रेणी में, जबकि मार्क जुकोवर्स, लेब्रोन जेम्स, टाइगर वुड्स असाधारण व्यक्तियों की श्रेणी में। टाइम मैगजीन की सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति सूची में 2019 में 3 भारतीयों को भी शामिल किया गया। ये हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के 6 मुकेश अंबानी असाधारण व्यक्ति श्रेणी में और भारतीय महिला वकील मेनका गुरुस्वामी एवं अरुंधति काठजू दोनों मार्गदर्शक श्रेणी में। यद्यपि कि सुश्री गुरुस्वामी एवं सुश्री काठजू ने भारत में LGBTQ समुदाय के अधिकारों हेतु कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था। अब बात करते हैं कैंसर तत्परता सूचकांक 2019। कैंसर तत्परता सूचकांक 28 देशों की कैंसर नीति एवं कैंसर नियंत्रण से संबंधित आंकड़ों की एक विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य कैंसर की चुनौतियों से निपटने हेतु सर्वोत्तम उपाय की पहचान करना। 28 मार्च 2019 को द इकोनोमिस्ट समूह के अनुसंधान एवं विश्लेषण संभाग द इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा तैयार किए गए कैंसर तत्परता सूचकांक 2019 को लंदन में जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत शीर्ष 5 देश क्रमशः हैं, इसमें शीर्ष 5 तो इसमें ऑस्ट्रेलिया 90.6 अंक के साथ पहले पर, फिर नीदरलैंड, फिर जर्मनी तीसरे पर, चौथे पर जापान, फ्रांस
पांचवें पर यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, सूचकांक में शामिल अंतिम पांच देशों की बात करें तो इसमें मिस्र, फिर 28वें पर, 27वें पर रोमानिया, 26वें सऊदी अरब, 25वें पर इंडोनेशिया और 24 पर केन्या। इस सूचकांक में भारत को 64.9 अंकों के साथ 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट 2019। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहणीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा 20 मार्च 2019 को 7वीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। इस रिपोर्ट में 156 देशों को उनके नागरिकों की प्रसन्नता के स्तर में के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई है। वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी फिनलैंड सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में 7.769 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। इस रिपोर्ट में दक्षिणी सूडान विश्व का सबसे दुखी देश घोषित किया गया। यह रैंक में अंतिम स्थान 156वें स्थान पर है। भारत की दृष्टि यह रिपोर्ट संतोषजनक नहीं कही जा सकती है क्योंकि रैंकिंग में भारत विगत वर्ष 133वें स्थान की तुलना में 7 स्थान गिरकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 में ब्रिक्स देशों की सूची देखते हैं तो ब्राजील 2019 में 32वें स्थान पर है, 2028 में 28वें स्थान पर है। रूस की बात करें तो 68वें स्थान पर है जो 2018 में 59वें स्थान पर, चीन 93वें स्थान पर है जो 2018 में 86वें स्थान पर था, दक्षिण अफ्रीका 106वें स्थान पर है जो 2018 में 105वें स्थान पर, भारत 140वें स्थान पर है, 140वें स्थान पर है और 133वें स्थान पर था 2018 में। ठीक है, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2018। 11 मार्च 2019 को सिप्री द्वारा विश्व में पारंपरिक आयुधों के हस्तांतरण की स्थिति पर नवीनतम रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2018 शीर्षक से जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख आयुधों के हस्तांतरण की मात्रा वर्ष 2009 से 13 की तुलना में 2014 से 18 में 7.8 की दिशा अधिक रही। वर्ष 2014 से 18 की अवधि में विश्व में 35 निर्यातक देश स्वीकार हैं। अमेरिका 36%, रूस 21%, फ्रांस 6.8%, जर्मनी 6.4% और चीन 5.2%। तो पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे नंबर पर फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर चीन। ठीक है, फिर बात करते हैं विश्व के प्रमुख पांच आयातक सस्त आयातक देशों की। तो सऊदी अरब पहले पर, फिर दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे पर मिस्र, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया, पांचवें पर अल्जीरिया। ठीक है, उक्त शीर्ष पांच सस्त आयातों का विश्व के कुल सस्त आयात में योगदान 25% है। वर्ष 2014 से 18 की अवधि में भारत प्रमुख सस्तों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक था। इस अवधि में भारत द्वारा सस्त आयात वैश्विक सस्त आयातों का 9.5% रहा। ठीक, वर्ष 2009 से 2013 एवं वर्ष 2014 से 18 के मध्य भारत द्वारा सस्त आयातों में 24% की कमी दर्ज की गई। 2014 से 18 की अवधि में भारत को सस्तों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश है रूस कुल 98% के लिए, उत्तरदायी इजराइल 15%, अमेरिका 12%। तो याद रखिए भारत को कौन सबसे ज्यादा आयात करता है, रूस, फिर दूसरे नंबर पर इजराइल, तीसरे पर अमेरिका। वर्ष 2014 से 18 की अवधि में भारत रूस इजराइल के सस्तों का शीर्ष ग्राहक रहा। रूस द्वारा सस्तों का सर्वाधिक 27% निर्यात भारत को किया जाता है। इसी प्रकार इजराइल द्वारा भी सस्तों का सर्वाधिक निर्यात 46% भारत को किया जाता है, 15%। ठीक, दूसरे पहले पर चीन, रूस, फिर दूसरे पर इजराइल। आगे बात करते हैं वर्ष 2019 में रासायनिक तत्वों की आवास सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। रासायनिक तत्वों की आवास सारणी एक ऐसा अद्वितीय साधन है जो वैज्ञानिकों को पृथ्वी तथा शेष ब्रह्मांड पर पाए जाने वाले पदार्थों के रंग, रोग, गुणधर्म का आकलन करने में सक्षम बनाता है।
आवर्त सारणी इस प्रकार से तैयार किया गया तत्वों का एक चार्ट है कि समान गुण धर्म वाले तत्व एक ही स्तंभ या वर्ग में उपस्थित होते हैं। उल्लेखनीय है कि आवर्त सारणी की खोज का श्रेय रूसी वैज्ञानिक दामिनी मेंडली द्वारा किया जाता है। उन्होंने 1869 में आवर्त सारणी का आविष्कार किया था। 29 जनवरी 2019 को यूनेस्को द्वारा पेरिस में रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को लॉन्च किया है। उल्लेखनीय है कि 20 दिसंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनी 74वीं पूर्ण बैठक के दौरान वर्ष 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में मेंडलीव द्वारा आवर्त सारणी की खोज की 150वीं वर्षगांठ थी। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 में IUPAC की स्थापना के 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019 नामक इस विश्वव्यापी पहल को IUPAC का समर्थन प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2019 में देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2019 को सैम का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 को पादप स्वास्थ्य के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 के बारे में। वर्ष 1995 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों एवं क्षेत्रों को एवं पर्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। 29 जनवरी 2019 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 जारी किया गया। प्रतिवर्ष जारी होने वाले इस रिपोर्ट का यह 24वां संस्करण है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक वर्ष 2018 में 13 सर्वेक्षणों एवं विशेषज्ञ मूल्यांकन के आधार पर विश्व के 180 देशों एवं क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तरों के अनुरूप रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक में 0 से 100 अंकों तक विस्तारित पैमाने का उपयोग किया गया है। यह 0 का अर्थ है सर्वाधिक भ्रष्ट और 100 का अर्थ है सर्वाधिक ईमानदार। सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर जबकि सोमालिया 10 सबसे नीचे स्थान पर है। ठीक है, सूचकांक में भारत की बात करें तो 41वें स्थान पर है के साथ 2018 में भारत 41 अंकों के साथ 78वें स्थान पर है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2017 के सूचकांक में भारत को 40 अंक के साथ 81वीं रैंक प्राप्त हुई थी। अब बात करते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019। 21 जनवरी 2019 को इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा टाटा कम्युनिकेशंस और एडक्को ग्रुप के सहयोग से वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक का 6वां संस्करण जारी किया गया है। इस वर्ष की रिपोर्ट का केंद्रीय विषय एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। इस सूचकांक में प्रथम 5 स्थानों पर क्रमशः स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे और डेनमार्क हैं। अंतिम 5 देशों की बात करें तो जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, बुरुंडी, कांगो गोल्डो गणतांत्रिक राज्य और यमन। ठीक है, यमन 125वें स्थान। इस सूचकांक में 125 देशों की सूची में पिछले वर्ष 80वें स्थान के मुकाबले भारत ने एक पायदान का सुधार करते हुए 81वां था। पिछले साल 81वां स्थान था, इस बार 80वें स्थान पर पहुंच गया भारत। ठीक है, तब है कि सूचकांक में शामिल विकसित देशों में भारत सबसे निचले पायदान पर। यह तीसरा वर्ष है कि जब वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक के साथ शहरों पर एक विशेष खंड प्रस्तुत किया गया। GTCI के साथ प्रयुक्त वैश्विक शहर प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कुल 314 शहरों को शामिल किया गया। 114 शहरों की सूची में वॉशिंगटन DC शीर्ष स्थान पर है। इस सूची में भारतीय शहरों को भी जगह मिली है। बंगलौर को 89, दिल्ली को 95, मुंबई को 96 स्थान। ठीक है, अब बात करते हैं G20 की अध्यक्षता, सॉरी G77 की अध्यक्षता। G77 फिलीपींस को स्थानांतरित। G77 की स्थापना
15 जून 1966 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की प्रथम सत्र के अंत में जारी 77 विकासशील देशों के संयुक्त घोषणा पत्र द्वारा हुई थी। इस घोषणा पत्र पर 77 विकासशील देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 15 जनवरी 2019 को न्यूयॉर्क में आयोजित वार्षिक समारोह में वर्ष 2018 के अध्यक्ष मिस्र को द्वारा वर्ष 2019 हेतु G77 की अध्यक्षता फिलिस्तीन को हस्तांतरित की गई। G77 की वर्ष 2019 की अध्यक्षता हेतु फिलिस्तीन का चुनाव करने का निर्णय सितंबर 2018 में समूह के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा लिया गया था। यह तब है कि वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को गैर सदस्य पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया था। भारत 1970-71, 1979-80 का G77 का G77 का अध्यक्ष रह चुका है। G77 अर्थात ग्रुप 77 संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत विकासशील देशों का सर्वाधिक विहद अंतर सरकारी संगठन है। हालांकि G77 के सदस्यों की वर्तमान संख्या बढ़कर 134 पहुंच गई है, फिर भी इसके मूल नाम को इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण कायम रखा गया है। ठीक, बात करते हैं मृत्यु दंड पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। जनवरी से 2018 की अवधि के दौरान मृत्यु दंड के न्यायिक प्रयोग के मामले आंकड़ों पर आधारित एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट नवीनतम रिपोर्ट 10 अप्रैल 2019 को जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में 20 देशों द्वारा मृत्यु दंड की सजा क्रियान्वित की गई। वर्ष 2018 में 690 से अधिक लोगों पर मृत्यु दंड का क्रियान्वयन किया गया है, जबकि 2017 में यह 993 थी। इस प्रकार पिछले वर्ष एक वर्ष के दौरान वैश्विक स्तर पर मृत्यु दंड के क्रियान्वयन में 21% की कमी दर्ज की गई है। हालांकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वर्ष 2019 से चीन के में मृत्यु दंड के क्रियान्वयन से संबंधित अनुमानित आंकड़ों को प्रकाशित करना बंद कर दिया है। फिर भी 2018 में सर्वाधिक निष्पादित मृत्यु दंड की संख्या चीन में मानी गई। अगर चीन को छोड़ दें तो कुल प्रतिवेदित मृत्यु दंड में से 78% मृत्यु दंड केवल 4 देशों ईरान, सऊदी अरब, वियतनाम, इराक में क्रियान्वित किए गए। वर्ष 2017 में कुल प्रतिवेदित मृत्यु दंड में सर्वाधिक मृत्यु दंड ईरान में क्रियान्वित किए गए। वर्ष 2018 में यह भारत लगातार तीसरा अवसर जब भारत में मृत्यु दंड का क्रियान्वयन नहीं हुआ। हालांकि वर्ष 2018 में भारत में 162 को मौत की सजा सुनाई गई। ठीक है, तो ये हमारा था अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बी पार्ट था, जो अंतर्राष्ट्रीय विकरण का। बात करेंगे हम लोग आगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में। ठीक है।